वैसे भी जब से घर से निकले हैं मुझे गट्टू का भ्रम हो रहा है। किसी आदमी को खाते हुए देखता हूँ, किसी मोटे आदमी को पीछे से देखता हूँ तो मुझे गट्टू का ही ख्याल आता है। कल प्लेन में भी यही हुआ। आगे की सीट पे एक बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा था कि हम लोग एक दिन लाल किला देखने गए थे, याद आया? मैं जानता था कि वो अपना गट्टू नहीं है, फिर भी चेक करने के लिए उठा। सिर्फ याद आया ये शब्द सुनकर, इसलिए शायद मेरे कान बज रहे ये सोचकर मैं ढाबे से वापस चला आया। प्रवीण, प्रवीण, इट्स ओके, ऐसी सिचुएशन में ऐसे होता है। छोड़ छोड़, कहीं और ढूंढे। ओ जी, जरा इसी एरिया में एक बार अच्छी तरह से देख ले। प्रवीण भाई, इस तरफ मत जाना, यहाँ मैं जा रही हूँ। हिमल, आप ना वो लेफ्ट में सारे ढाबे दिख रहे हैं वो कवर कर लो, और आप दोनों ये एरिया कवर कर लो। कवर मतलब? पता है गुड़िया, कवर मतलब पूरा एरिया कपड़े से कवर नहीं करेंगे। प्रवीण, प्रवीण, चलो। अजय, नकली मीनाक्षी भाभी अभी तो बोलो ना, बाहर जाके क्या सरप्राइज देने वाले? अरे ओ भाई साहब, बंसी भाई, बंसी भाई, बंसी भाई, पचका हो गया आपका, आज 10 बजे ही ढाबा बंद। पर मुझे भूख लगी है किस्मत। तो आपका फॉल्ट है ना, थोड़ी देर पहले भूख लगानी चाहिए थी आपको। ऐसा नहीं होता है किस्मत। अरे यार, अब दूसरे ढाबे पे जाओ ना अभी। पर अरे यार, अरे नकली मीनाक्षी भाभी, ये देखो मान नहीं रहे। किस्मत, तू जाके तैयार हो, मैं देखती हूँ। ठहर, तू जा अंदर जल्दी। यार क्या बात है बंसी भाई, किस्मत ने क्या तो दिया है तुम्हें? हाँ पर माई, अरे भाई मैंने रघु को भेज दिया, अब खाना कौन बनाएगा? वैसे भी आज मैं किस्मत को फिल्म दिखाने ले जा रही हूँ, उसके बाद बाजार में नवी निकर कमीज लेके दूंगी। सरप्राइज है उसके लिए, बताना मत, तू जाके किसी और ढाबे में खा ले। ठीक है, सत श्री अकाल मासी जी। सत श्री अकाल जी, ढाबा तो क्लोज हो गया जी। क्लोज मतलब नजदीक वाला क्लोज तो नहीं ना? ना जी, बंद वाला क्लोज। कोई गल नहीं जी, मैं खाना वाना खाने नहीं आई हूँ, मैं तो बस अपने देवर इन्हें खोजने आई हूँ जी। क्या हुआ जी? ओह, फोटो उल्टी है, इन्हें देखा है आपने? मासी जी, आपने इन्हें देखा है? बा, 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 बा कहाँ है? बा, बा कहाँ है आप? क्या हुआ सुबोध? बा हाँ? बा, बा वो पहुंच गए। बा, बा। आराम से बेटा। हाँ। गुड़िया उस ढाबे पे पहुंच गई जहाँ गट्टू गया था। क्या? हाँ, और उस ढाबे की मालकिन ने गट्टू को पहचान भी लिया। कानूड़ा, तेरा लाख लाख शुक्र प्रभु, लाख लाख शुक्र। कहाँ है का हमारा गट्टू भाई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ है हमारा गट्टू भाई? वो जी, मुझे तो कुछ नहीं पता जी। क्या? उस दिन वो किसी ट्रक ड्राइवर से बातें कर रहा था जी, कह रहा था मुझे घर जाना है, बॉम्बे जाना है। हाँ, फिर बाद में मैंने जाके देखा तो दोनों ही नहीं थे। मुझे लगता है वो उस ट्रक ड्राइवर के साथ ही गया होएगा। ये क्या किया आपने? आपको पता ना हमारा गट्टू भाई कितना भोला है, कितना मासूम है, आपने जाने क्यों दिया उसे? आप पुलिस को नहीं बता सकते थे? रिलैक्स हिमल,
इनसे गलती हो गई ना अब। अरे पर गुड़िया, मैं समझती हूँ, पर अब क्या कर सकते हैं? मुझे, हमें तो इनका एहसान मानना चाहिए। इन्होंने हमारे गट्टू भाई को खिलाया पिलाया, एक दिन अपने यहाँ पनाह दी, अब वो सब नहीं देख रहे हो? मासी जी, जब से गट्टू भाई खो गए ना, तब से हम सब बहुत परेशान हैं। हम उनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। तो सोचिए, इतने दिन हमने उनके बगैर कैसे गुजारे होंगे? जब वो थे ना, तो घर में खुशियों का माहौल बना रहता था। देखो, अभी मैं गुजराती हूँ, फिर भी मैंने पंजाबी बल्ले बल्ले किया ना, तो अभी आप लोग पंजाबी हो ना, तो आप लोग गुजराती गरबा करके दिखाओ। चलो चलो, ऐसा थोड़ी चलता है। चलो मैं सिखाता हूँ, आ जाओ मैं सिखाता हूँ। देखो, एकदम इजी है। क्या करने का मालूम है? ऐसा पहले राइट साइड में ताली मारने का वन, और फिर लेफ्ट साइड में दूसरी ताली मारने का टू। चलो वन टू थ्री स्टार्ट। दिंदा दितरा दितरा दितरा। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी खेल लेते थे, उनके किस्से सुनने के लिए घर में तो मेला लगा रहता था। अब आप ही सोचिए, हमारे इतने प्यारे गट्टू भाई हमसे दूर हो गए हैं, तो हमें तकलीफ तो होगी ना। इसलिए हेमल, थोड़े माफ करना जी, और आपने हमारे गट्टू भाई का ख्याल रखा, उसके लिए शुक्रिया। हम चलते हैं। थैंक यू। चलो जी। अगर आपको हमारे गट्टू भाई की कोई खबर मिले तो हमें इस नंबर पर फोन करिएगा। हाँ, शुक्रिया जी। नकली मीनाक्षी भाभी, मैंने खुद ने सीधे बटन लगाए, कैसा लगता हूं? बड़ा सोना लग रहा है। हाँ? आई नजर ना लग जाए मेरी किस्मत को। अंदर चल, तुझे काला टिक्का लगा दूं। चल। काला टिक्का? मीनाक्षी भाभी यार। अब कहाँ ढूंढने के गट्टू भाई को? एक मौका हाथ लगा था, वो भी उस औरत की वजह से। जी आप क्यों उन्हें कोस रहे हो? वो बेचारी तो नेक औरत थी। आप पॉजिटिव सोचो हिमल, कि उनकी वजह से हमें गट्टू भाई का कोई तो पता चला। ये तो ऊपर वाले का संकेत है कि हमें हमारे गट्टू भाई सही सलामत मिल जाएंगे। हाँ हिमल, टेंशन मत लो, हमारा गट्टू हमें मिल जाएगा। एक काम करते हैं, हम लोग स्टेशन की तरफ चलते हैं, वहाँ पूछते हैं सबको। स्टेशन की तरफ ले लो, चल फटाफट बैठ।
मुझे गट्टू की आवाज सुनाई देने लगी। प्रवीण भाई, गट्टू भाई, प्रवीण भाई रुको रुको, सतपुर से मेरे गट्टू भाई है, गट्टू भाई। गुड़िया, मीनाक्षी भाभी मतलब वो मैंने खुद नहीं किया, वो नहीं, ये वाली मीनाक्षी भाभी, ढाबे वाली। इधर आ मीनाक्षी भाभी, अब इधर आ, इधर आ रघु, ये रघु है। वाकई आपकी हंसी मैंने छीन ली थी, आपका गट्टू मेरे ही पास था, मुझे माफ कर देना जी, अपने स्वार्थ के लिए आपके गट्टू को अपनी किस्मत समझ बैठी, पर मैं गलत थी। जिस किस्मत ने इतने से दिनों में मुझे इतनी खुशियां दे दी, उस गट्टू ने आपको कितनी खुशियां दी होंगी, इसी बात ने मेरी आंखें खोल दी हैं जी, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं आपका गट्टू और अपनी किस्मत दोनों ही आपको लौटा रही हूं जी। किस्मत, मैंने तुझे कहा था ना तेरे लिए एक सरप्राइज है। ये वो सरप्राइज है? मान ले यही है। मस्त है सरप्राइज। सरप्राइज में गुड़िया, प्रवीण भाई, हेमल भी सरप्राइज। अभी घर पे भी मुझको बहुत सरप्राइज मिलेगी, लीला भाभी, मोटा भाई, बेबी, ऐसे ऐसे, और मनसुख लाल जेता, और मेरी बा भी मिलेगी घर पे। प्रवीण भाई, हाँ, मुझको बा को मिलने का, बा से मिलने का मुझको। दादी माँ, दादी माँ, कानूड़ा आपका दोस्त आ रहा है आपसे बातें करने। मीनाक्षी चल।
बेटा जल्दी आ बेबी जल्दी आ। पा, ये क्या है लीला? बा, आज तक हम मन्नत मानते हैं तो कुलदेवी को सिक्का अर्पण करते हैं ना, आज हमारी मन्नत पूरी हुई है तो हम ये चढ़ावा चढ़ाएंगे कुलदेवी माँ को। ये सारे कॉइन्स आपने कहाँ से? भाभी ने एक एक रुपया इकट्ठा किया है छाछ बनाने का ब्लेंडर खरीदने के लिए। मीनाक्षी ब्लेंडर एक गुड़िया कम थी मुझे अंग्रेजी सिखाने वाली। भाभी क्या आप भी शुरू हो गए? शिल्पा भाभी आपके पास भले ही डॉक्टर की डिग्री हो लेकिन मीनाक्षी भाभी ने तो इंटरव्यू पास किया इंटरव्यू। चलिए बा कुलदेवी माँ का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारा गट्टू लौटा दिया। हमारा गट्टू आ रहा है, गट्टू आ रहा है माँ, हमारा गट्टू आ रहा है, हमारा गट्टू आ रहा है, हमारा गट्टू आ रहा है। कुलदेवी माँ आपका बहुत बहुत आभार। कुलदेवी माँ, कुलदेवी माँ की जय। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।